प्यार के लिए जान दी थी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राधा कृष्ण कुमार ने। और साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में प्रभास के अलावा हमें देखने को मिलेगी पूजा हेगड़े। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि पैन इंडिया फिल्म राधे श्याम 30 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग कोविड के चलते रुक गई और फिल्म की रिलीज डेट अब आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में जितने भी रेबल स्टार प्रभास के डाई हार्ट फैंस हैं, सभी का इंतजार कि आखिर राधे श्याम फिल्म की जो नई रिलीज डेट है वो क्या हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में राधे श्याम फिल्म को लेकर दो धमाकेदार अपडेट्स आपके लिए आ चुकी है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले अपडेट तो ये है कि राधे श्याम फिल्म की जो शूटिंग है वो लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। फिल्म के सिर्फ कुछ गाने शूट करना बाकी है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि राधे श्याम फिल्म का जो एक रोमांटिक गाना है उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है 22 जुलाई से और शूटिंग की जानी है हैदराबाद में। बताया जा रहा है दोस्तों कि यह गाना इस फिल्म का सबसे बेस्ट और रोमांटिक गाना होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ तेलुगु वेबसाइट के मुताबिक ये खबर निकल के आई है कि राधे श्याम फिल्म की जो नई रिलीज डेट है वो अनाउंसमेंट हो सकती है 15 अगस्त के मौके पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त बहुत सारे साउथ की बड़ी बड़ी वेबसाइट ने यह खुलासा किया है कि राधे श्याम फिल्म के जो मेकर्स है वो इस फिल्म की नई रिलीज डेट का अनाउंसमेंट 15 अगस्त के मौके पर कर सकते हैं और फिल्म शायद नवंबर के महीने में रिलीज हो सकती है। हालांकि फिल्म नवंबर में रिलीज होती है या दिसंबर में यह तो हमें 15 अगस्त के मौके पर ही जानने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब भी प्रभास की राधे श्याम फिल्म रिलीज होगी, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की ओपनिंग तो जरूर लेगी, क्योंकि प्रभास की लास्ट फिल्म साहो ने भी बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 100 करोड़ से कहीं ज्यादा कमी की थी। तो राधे श्याम फिल्म से भी पूरी उम्मीद है कि यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई पहले दिन जरूर करेगी। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, राधे श्याम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।